वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्क राशि वालों, जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा मनुष्य एक जल की बूंद के लिए तरसता रहता है, उसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए भाग्य की ललक मन में रहती है। वही भाग्य आपके ग्रहों के आधार पर निर्मित होता है और यही ग्रह अगस्त में बदलने वाले है। कर्क राशि वालों, सुख समृद्धि की कामना किसे नहीं होती। हम सभी चाहते हैं जीवन भौतिक सुख सुविधाओं के साथ गुजरे, उसमें कोई कभी कमी ना रहे, हमारे मन में जो भी इच्छा है वह पूरी हो। अगस्त 2023 आपके लिए संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए आ रहा है, क्योंकि नौकरी और सम्मान के साथ सभी तरह की सुविधाओं के स्वामी सूर्य आपकी कुंडली में आपके स्वयं के धन भाव में बुध के साथ राजयोग बनाकर स्थित रहेंगे। जो वैभवशाली जीवन सुख सुविधाओं के जो मालिक है वह शुक्र लाभेश यानी कि भाग्योदय के स्वामी होकर आपके स्वयं के लग्न में उपस्थित है। मंगल तृतीय भाव में, शनि अष्टम भाव में, गुरु दशम भाव में चलायमान रहेंगे, जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने कोरोना से लेकर वायु दुर्घटना तक कई भविष्यवाणी की है, लेकिन हाल ही में मैंने राजनीतिक बड़े लीडर को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह 100% सही साबित हुई है। यकीन के लिए आप ऊपर क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं। आइए जानते हैं 1 से 31 अगस्त आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, क्या बदल की स्थिति आपके भाग्य को भी बदल देगी, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र और सितारे। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार अगस्त का महीना आपके लिए निजी हित का समय होगा। आपके निकट के क्षेत्र में आपकी गतिविधियों को केंद्रित करने का समय होगा। आप जिस बुनियादी बदलाव को करने में लगे हुए हैं उनके नतीजों को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी और मुझे विश्वास है कि अगस्त में अगर आप खुले रहकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति, मौलिक चिंतन और धैर्य के संदर्भ में आप में नयापन आएगा, जिसे हर काम आसानी से कर पाएंगे। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में आएंगे, दूर दराज के संपर्क में नई जान आएगी। अगस्त में पूरे महीने गुरु का मेष राशि में होना आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा, आपको अपने प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में कार्यस्थल पर आपका कार्य सराहनीय बनेगा। इस दौरान आपके और आपके अधिकारियों के संबंध अच्छे स्थापित होंगे और जिसका लाभ आपको आने वाले वक्त में धन पद स्थानांतरण के रूप में प्राप्त होगा। आप जिस नौकरी, जिस कार्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मन्नत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनन अब आपका सपना हकीकत में बदलेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध योग कारक होने से आपके अधूरे सपनों को भी पूर्ण करेगा। अगर आप दलाली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़े का व्यवसाय, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुओं से संबंधित चीज़ों का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलेगी। महिलाओं को नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिलेगा। किसी पुरुष मित्र या फिर पति के द्वारा अचानक से सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त होगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में कुछ ऐसी डील भी हो सकती है जो व्यापार को लेकर आपको मालामाल कर सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो व्यापारी अपने विरोधियों के द्वारा परेशान थे या फिर प्रतिस्पर्धी उनके व्यापार की गति को मंद कर रहे थे, तो आप अपने प्रतिस्पर्धी को परास्त कर सकेंगे। शत्रु भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ स्थित है तो वह अब आपसे कामयाब नहीं हो सकते। आपकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, आपकी चीजें गाँव, शहर, राज्य तक, यहाँ तक विदेश तक पहुँचेगी और मुझे लगता है कि अगस्त 2023 करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर आपको ले जाएगा। यदि जन्मकालीन ग्रहों ने साथ दिया तो आपकी दो महत्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध हो गए। पहला, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको पहले ही प्रयास में सफलता मिलेगी। दूसरा, आपको यात्रा का, प्रवास का लाभ मिलेगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, NID, BBA, MBA, CA जैसी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहतरीन रहेगा। डिग्री परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। फैशन, डिजाइनिंग आदि क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आपको सफलता के लाभ प्राप्त होंगे। जो जातक अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं
उनके लिए भी लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लाभेश शुक्र देह भाव में उपस्थित होने से आपको साझेदारी से व्यापार शुरू करने के साथ साथ सफलता धन प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। हमारे भाई बहन जो विदेश में रहते हैं और उनका उत्साह भंग हो गया है या फिर किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो अगस्त आपके सपनों को पूर्ण करेगा, क्योंकि विदेश भाव के ही स्वामी बुध धन भाव में उपस्थित है जो आपके सपनों को साकार करेगा। शारीरिक रूप से हो रही परेशानी को दूर करेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही कड़वाहट को दूर करेगा। संतान पक्ष से अच्छे संबंध स्थापित करने में आपकी मदद करेगा। यदि आप गांव, शहर या फिर राज्य में रहकर धन समृद्धि पूर्ण जीवन के अभिलाषी है तो यह भी सपना सच होगा। सूर्य बुध जब योग कारक होते हैं और साथ में केतु चतुर्थ भाव में होते हैं तो वह आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति करवाते हैं। शेयर बाजार, सट्टे, कसिनो आदि जगह से अचानक से धन मिलने की संभावना बनेगी। पुराना निवेश अब अचानक से 2-3 गुना बढ़ जाएगा, लाभ प्राप्त करवाएगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, अगर आप किसान है, श्रमिक है, लोहे का कार्य करते हैं, प्लम्बिंग, कोयला, मोमबत्ती, काली चीजों का व्यापार करते हैं तो आप अगस्त में लाभ के लिए तैयार हो जाइए। लाभ की संभावना बन रही है, यात्राओं से लाभ मिलेगा। आप अपने कारोबार के लिए, अपने व्यापार के लिए जिस अवसर की तलाश में थे वह 22 अगस्त के बाद आपको नए प्रस्ताव के रूप में प्राप्त होगा। जो एक ही पद पर स्थित होकर लंबे समय से कार्य कर रहे थे उन्हें प्रमोशन के साथ इच्छित स्थानांतरण की संभावना का लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रहे तनाव से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अभी तक कुंवारे हैं, योग्य साथी की तलाश में हैं, तो मुझे लगता है कि अगस्त आपको प्रेम से तरबतर कर सकता है। आप देह सुख और मित्र सुख से वंचित नहीं रह सकते। शुक्र आपको वह सब कुछ देगा जिनकी आप कामना करते हैं। टूटे दिल मिलेंगे, आपका प्रियतम दूर है तो नजदीक आएगा। रोमांटिक अवसरों को भी यादों के जरोखों में संभालने में कामयाब रहेंगे। हालांकि 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में सुगंधित वस्तुओं से आपको परहेज करना होगा। वायरल इन्फेक्शन आदि से भी आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य की तकलीफ हो सकती है, रक्त कणों की कमी की वजह से शरीर की शक्ति क्षीण हो सकती है, इसलिए अगस्त में गणपति की आराधना पूजा करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2023 भविष्य को लेकर सपने सच करने के लिए अवसर लेकर आ रहा है। बस आप उन्हें समझे, देखे, जाने और तलाश करके लाभ प्राप्त करें। आप देख रहे थे कर्क राशि फल अगस्त 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।